नौकरी के ऊपर ना फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। ठीक है आज ये नहीं है, हो सकता है कुछ अच्छा ऑप्शन मिले या छुट्टी होगी। अब टाटा बाय बाय। हाँ जी, तो सभी को राम राम। कैसे सभी, उम्मीद है सभी बहुत बेहतर हैं। तो स्वागत है एक और वीडियो में दीपक ब्लॉग टीवी पर। और दोस्तों कैसे हो, ठीक हो, सबका काम धाम सब ठीक ठाक चल रहा है? देखो अपने साथ हो गया सीन। सुबह भाई, सुबह में जब ऑफिस गया था इससे लास्ट वीडियो में बोल रहा था कुछ ना कुछ सीन हो जाएगा किस दिन, वो सीन हो चुका है। अपन ने छोड़ दिया नौकरी, जो ये 10 से 7 चल रही थी वो नौकरी छोड़ दी है। दिक्कतें बहुत आएंगी लाइफ में, पर ठीक है, डरना नहीं, घबराना नहीं, चलते ही रहना। बस प्रॉब्लम यही है, थोड़ा सा मम्मी को मेरे को बताना, तो देखेंगे घर पे मम्मी का रिएक्शन क्या होगा कि माता आपके पुत ने छोड़ दी है नौकरी। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी या मैंने छोड़ दी, यही बात है दोस्तों। तो नौकरी दी है छोड़, 2 साल जॉब करी है यहाँ पर। और देखो 2 साल लाइफ का बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है, एक लाइफ का हिस्सा ही है वो, जो कंपनी को दे दिया, कंपनी के लोगों को दे दिया, उनके साथ अटैचमेंट हुई, वहाँ पर हम रहे, उस सीट पर बैठे, बहुत सारी चीज़ें होती है, लोग समझ सकते हैं, आप लोग समझ सकते हो। तो दोस्तों उसको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं एक टाइम पर आके। ठीक है, तो छोड़ दिया नौकरी और अभी 10 से 7 हो गया ख़त्म, इसके आगे देखेंगे क्या होगा। YouTube पे तो काम करना ही है, बस जल्दी जल्दी गए सपोर्ट कर दो कि मैं और बेहतर तरीके से काम कर पाऊँ YouTube पर। ठीक है, बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और कुछ नहीं, बाकी तो सब ठीक ठाक। नौकरी छूट गई है, देखो नौकरी के ऊपर ना फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। ठीक है आज ये नहीं है, हो सकता है कुछ अच्छा ऑप्शन मिले, या जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, हो सकता है कुछ इससे अच्छा इंतज़ार कर रहा है या मिलने वाला है, तो इसलिए सब हुआ। ठीक है, तो जो साथ में काम करने वाले लोग थे उनसे मिला, सब थोड़ा इमोशनल हो गए, मैं भी हो गया, पर ठीक है कोई बात नहीं, ये एक लाइफ का रूल है तो चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, अभी दिक्कत यह है मम्मी को बताना है, घर में जाके मम्मी को कैसे बताऊँगा, ये देखना है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज की वीडियो इस पर ही आधारित होगी कि घर वालों का रिएक्शन क्या होता है इस चीज़ के ऊपर। मैं मम्मी को जाके बताऊंगा, मम्मी नौकरी छूट गई है। बाकी एंजॉय करते हैं अपना मोटो व्लॉग, बने रहो वीडियो में, बात करेंगे बहुत सारी। बच गया ये तीनों गाड़ी, थोड़ी थोड़ी बच, ये भी टच होने से, ये भी टच होने से, इससे वरना जा रही है ना आगे, वरना नहीं एलेंटर आया तो। ये तीनों गाड़ी आपस में बच गई, बस बस देख रहे हो ये जो जा रही है, कम से कम 100 से ऊपर भगा रहा है भाई इसको, 100 से ऊपर। अब ये रास्ते रोज के आने छूट जाएंगे भाई यहाँ पर, ये याद रहेंगे, जॉर्ज पुल अपना सब याद रहेगा। डेली आप लोगों के लिए वीडियो बना, डेली तो बनाऊंगा मैं वीडियो, पर ये वाली शाम को कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कोई दिक्कत नहीं, हमारे श्री जी जो करेंगे अच्छा करेंगे, कुछ सोचा ही होगा उन्होंने जब ऐसा हुआ तो। माता रानी का बुलावा आया, वैष्णो देवी माता रानी का, मैं सोच रहा था ऑफिस में बात करूंगा, ड्रामा होगा थोड़ा सा। अब माता रानी कह रही है बेटा तू आराम से आ, फुर्सत में आ, कुछ मत सोच, एक दिन ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, आराम से हो गया दर्शन करके। मैंने कहा ठीक है माई, जैसे बुलाओगी वैसे आ जाऊँगा, बस ठंड बहुत ज़्यादा है आज, कब कभी छुट रही है इतने कपड़े पहनने के बाद भी, और बाइक नहीं चला रहा ना, खड़े हैं तब भी कब कभी छुट रही है भाई। एक तो है ही इतनी तगड़ी गाड़ी है, ऊपर से इसमें अलॉय वगैरह लगा के और तगड़ी कर रखी है, बीस्ट लग रही है एकदम, बीस्ट खूंखार होती है ना वो, ऊपर से रंग काला। लो जी अपन पहुंच गए हैं जिंदल, और एकदम कुल्फी बन गई है, ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ सामने से आ रही है, एकदम ठंडी ठंडी। ओह भाई साहब क्या कहने, इतनी ठंड पड़ रही है, धूप देखने के लिए मिल नहीं रही है, तेल भी खत्म भाई क्यों भाई, नौकरी खत्म, तेल खत्म, सब कुछ खत्म, पैसा खत्म, खत्म एकदम खत्म सब कुछ।
जय हो जय हो जय हो जय हो श्री कृष्णा महाराज की जय हो। धक धक हो रही है, देखते भाई क्या सीन है। अब जाके घर में मम्मी पापा दोनों सामने हैं, नमस्ते। कैसा होता जा रहा दिन ब दिन, और ये मोटा होता जा रहा। पाप सो गए पाप, नमस्ते। राम राम जी। हम भी दावत ही अंकल को, छुट्टी होगी अब, टाटा बाय बाय, छोड़ दी वहाँ से अब। वैसे ही ना कह रहा, यू भी वैसे ही कहने वाली बात है, सही कह रहा हूँ। और क्या, अपने घर की दावत ही खाओ बैठ के। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, छोड़ दे। देखूँ कहीं और, पहले वैष्णो देवी होया हूँ, वैष्णो देवी होया हूँ पहले। हाँ हो गई है, 15 तारीख की, 15 वहाँ से जाएंगे, और 7 बजे का शाम का वीडियो ला कर लियो वहाँ की। हाँ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे छुट्टी छुट्टी है, वहीं थोड़ी लग रहे हैं, कहीं कुछ और देखें, अगर कोई दिक्कत, कोई रोटी पानी की दिक्कत। मगर रोटी मिल जाएगी क्या, मगर रोटी मिल जाएगी क्या, नौकरियों में ऐसे ही होगा, अब क्या करें, अब होगी बात बड़ी है वहाँ। हाँ जी दोस्तों, पहुँच गए हैं घर, और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। मतलब ठीक ठाक माहौल था घर का, मम्मी पापा सब बच्चे बच्चे एक जगह लेटे थे, सब हंसी मजाक कर रहे थे। तो मैंने बताया, मैंने एक बार में जाते ही बता दिया, मन तो नहीं कर रहा था, तो उनको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। बार 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 मम्मी बोल रही कि मैं मजाक कर रहा हूँ, पर यार मजाक था नहीं, और सबका फेस उतर गया, मम्मी का भी पापा का भी, थोड़ा सोचने में पड़ गया। देखो टेंशन ना हो जाती है, ठीक है, मैंने मम्मी को बाद में बहुत दूसरे रूप में आके समझा, उनका क्या हो गया, नौकरी तो गई है, ठीक है, मतलब बहुत रिलैक्स होके कि मैं परेशान नहीं हूँ ये वो, पर एक दो दिन लगेगा, ठीक है ठीक हो जाएंगे, बाकी करेंगे कुछ और अच्छा करेंगे, मैंने दिलासा दिया, मगर ठीक है और कुछ अच्छा करेंगे, भगवान चाह रहा है कि वहाँ से निकलो, कुछ और करो, अच्छा करो, कुछ और इंतज़ार कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करके बात संभाली कि जिससे घर वाले मम्मी पापा थोड़ा ज़्यादा सोचे ना, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, टेक केयर, खाते रहो पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो, और अपनों का भी जैसे चाहें जो भी चाहें करना पड़े, ठीक है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, अभी थोड़ा माहौल समझ रहे हो, थोड़ा कैसा है, नरम सा है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, राम राम जी।